Anti-aromatic compounds. So here four conditions for a compound to be anti-aromatic. यहाँ पर हम लोग चार condition फिर से पढ़ेंगे और ये condition जो होंगी these all will be for a compound to be anti-aromatic. तो first point है the given structure of compound should have ring. तो यहाँ भी ring का होना जरूरी है. उसके बाद जो structure है आपका जो compound है it should be planar in nature. यानी कि सारे के सारे atom जो उसके अंदर हैं they should be sp2 hybridized. अब बात करते हैं कि उसके अंदर कॉन्जुगेशन का होना जरूरी है तो ये कंडीशन आपको ढूंढना है वहां पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट और लास्ट कंडीशन होती है 4n pi इलेक्ट्रॉन का होना. दिस कंडीशन तो अभी आप देख सकते हैं कि चार में से तीन कंडीशन तो वही रिपीट हो रही है जो एरोमेटिक में थी. ये तीनों कंडीशन जो होती है एरोमेटिक के लिए भी रिक्वायर्ड होती है बट फोर्थ वन इज वैलिड हियर. चौथी जो है वो थोड़ी सी अलग है. वहां पे हकल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन था 4n+2 pi लेकिन यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होता है इट इज इक्वल टू 4n pi इलेक्ट्रॉन. तो हम लोग जानते हैं कि भाई 4n पाई इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा. तो ये चार से शुरू होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4. ये आपको याद रखना है कि ये 4 से स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे देखिए हर बार आपको 4 प्लस करते जाना है. वहां पे वो स्टार्ट हुआ था 2 से एरोमेटिक के लिए और यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 4 से एंटी एरोमेटिक के लिए. तो हर बार देखिए यहाँ पे हमने 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन. तो ये जो चारों कंडीशन जब पूरी हो जाएंगी किसी भी स्ट्रक्चर के लिए किसी भी कंपाउंड के लिए तब वो स्ट्रक्चर कहलाएगा आपका एंटी एरोमेटिक. स्टार्टिंग का तीन कंडीशन जो है वो सेम है सिमिलर टू एरोमेटिक. एरोमेटिक में यही तीन कंडीशन होता है लेकिन चौथे वाली यहाँ पर वेरी करती है. आइए दो एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए. तो यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन सर रिंग होनी चाहिए. तो हाँ इट हैज रिंग कंपाउंड के अंदर रिंग है. उसके बाद बात होती है कि क्या होना चाहिए प्लेनर होना चाहिए. यस इट इज प्लेनर इन नेचर बिकॉज ऑल द 4 कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. नेक्स्ट कंडीशन है कॉन्जुगेशन. यस इट हैज कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल. यस इट हैज कॉन्जुगेशन. उसके बाद बात करते हैं हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. तो भाई आपको बताया था ये 1 डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट ऑफ 2 पाई इलेक्ट्रॉन. तो भाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर. अब बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की. देखिए यहां पर कंपाउंड के अंदर दो रिंग है तो ये कंपाउंड के अंदर रिंग है तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है. उसके बाद करते हैं कि ये प्लेनर है तो मेरा जवाब है कि हाँ ये प्लेनर है. आप चेक कर सकते हैं ऑल कार्बन एटम्स ऑफ द रिंग आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ये प्लेनर होगा. फिर उसके बाद बात करते हैं कि सर क्या कॉन्जुगेशन है. तो मैं बोल लूंगा कॉन्जुगेशन लेकिन कुछ लोगों को डाउट आ रहा है तो डिस्कस में जरूर करूंगा डबल सिंगल. देख रहे हैं सिंगल और फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल. द होल सिस्टम हैज अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड इट मीन्स इट इज कॉन्जुगेटेड. या तो ऐसे देख लीजिए ए कहीं से जहां से आपको मन करे ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी और सी के बाद फिर से क्या आ गया डबल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी फिर से क्या आ गया सी के बाद डबल बॉन्ड. द होल सिस्टम इज कॉन्जुगेटेड एंड हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. तो आप देख पा रहे हैं यहां पे 4 डबल बॉन्ड है. देयर आर 4 डबल बॉन्ड्स एंड 1 डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट ऑफ 2 पाई इलेक्ट्रॉन. तो कुल मिला के कितना हुआ जी. तो आंसर होगा बताइए 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो आप देखिए यहां पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन से रहा 4 पाई इलेक्ट्रॉन से रहा. तो ये चारों कंडीशन यहां पे पूरी हो रही है. इट मींस दैट कंपाउंड दीज टू कंपाउंड्स विल बी एंटी एरोमेटिक इन नेचर. तो ये एंटी एरोमेटिक है बच्चों ध्यान रखना है आपको. आप देखिए इनको पॉज कीजिए सीखिए क्योंकि हम लोग आगे चल के इसको यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे. तो ये चारों पॉइंट आपको ऐसे लिख के करना है ताकि आपको कोई भी स्ट्रक्चर मिल जाए वो हमेशा सही हो.